हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम किसी डिजीज या मेडिकल कंडीशन को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आज के वीडियो में हम एक बहुत ही नोबल मेडिकल प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे, जिसकी डिमांड और वैल्यू वर्ल्ड वाइड बढ़ती ही जा रही है। एक ऐसी मेडिकल फील्ड जो कि नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट का दावा करती है और इसको बाखूबी निभा भी रही है। न्यूरोलॉजी, कार्डियोपल्मोनरी, स्पोर्ट्स, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, पीड्स एंड जेरियाट्रिक्स, इन तमाम डिपार्टमेंट्स में ये फील्ड बाखूबी अपना किरदार निभा रही है, बाखूबी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इस फील्ड में स्पेशलाइज्ड लोगों को पीपल विद मैजिकल हैंड्स कहा जाता है। तो आज 8 सितंबर है, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में आज के दिन वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे मनाया जाता है। ये तमाम डॉक्टर्स के लिए बहुत ही खास और स्पेशल दिन है। मेरे और मेरे चैनल की तरफ से तमाम फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स को अ वेरी हैप्पी फिजिकल थेरेपी डे। यू ऑल आर डूइंग अ ग्रेट वर्क एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। तो आज की ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो कि इस नोबल प्रोफेशन से कनेक्टेड हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या पेशेंट्स, या वो लोग जिन्होंने फिजियोथेरेपी से रिकवर किया है। दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ यू। तो आज की इस वीडियो में हम फिजियोथेरेपी से रिलेटेड बातें जानेंगे, जैसे कि ये फील्ड स्टार्ट कैसे हुई और किस तरह से ये एक फुल फ्लेज मेडिकल प्रोफेशन बना, इसका ओरिजिन और इसकी हिस्ट्री, सब कुछ हम इस फील्ड के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। ऐसी बहुत सारी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स या कंडीशंस हैं जिनकी ट्रीटमेंट ना मेडिसिन में है और जिसके लिए सर्जरी रेकमेंड करना बहुत डेंजरस हो सकता है। ऐसे कंडीशंस के लिए एक सेफ वे जो पेशेंट्स को रेकमेंड किया जाता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम के मैकेनिकल कॉज को ट्रीट करता है, वो भी बगैर किसी सर्जरी के और मिनिमम मेडिसिन के। तो अब हम जानेंगे इस नोबल प्रोफेशन की हिस्ट्री के बारे में। फिजियोथेरेपी 460 BC में स्टार्ट हुई, जब हिप्पोक्रेट्स और गैलेनस ने मैनुअल थेरेपी की टेक्निक्स अपनाई अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। इन्होंने हाइड्रोथेरेपी को भी यूज ट्रीटमेंट थ्रू वाटर। हाइड्रोथेरेपी को हम डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं। हाइड्रोथेरेपी ऑल्सो नोन एज वाटर थेरेपी, इट इज द यूज ऑफ वाटर इंटरनली एंड एक्सटर्नली फॉर हेल्थ पर्पस एंड ट्रीटमेंट। इसके बाद फिजियोथेरेपी को सही पहचान 1813 में मिली, जब पर हेनरिक लिंग, जिनको फादर ऑफ स्वीडिश जिम्नास्टिक्स भी बोलते हैं, उन्होंने रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक्स में फिजियोथेरेपी को इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें जिन प्लेयर्स की स्पोर्ट्स या जिम्नास्टिक्स के दौरान कोई इंजरी होती थी, उनको फिजियोथेरेपी से ट्रीट किया जाता था। ये स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपी का सबसे बड़ा और पहला रोल था। इसके बाद 1913 में यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो न्यूजीलैंड में स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी की बुनियाद रखी गई। वहां फिजियोथेरेपी एज अ प्रोफेशनल मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ाई जाने लगी। वर्ल्ड वॉर में भी फिजियोथेरेपी ने एक बड़ा रोल प्ले किया। 1917 टू 1918 में वर्ल्ड वॉर के इंजर्ड सोल्जर्स को फिजियोथेरेपी से ट्रीट किया गया। तब पहली बार इस ट्रीटमेंट को रिहैबिलिटेशन थेरेपी भी बोला जाने लगा। अब हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट ईयर की, ईयर 1921। ईयर 1921 फिजिकल थेरेपी की हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है, क्योंकि इस साल में एक नहीं बल्कि दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई जिन्होंने फिजिकल थेरेपी की एस्टैब्लिशमेंट और सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ईयर 1921 क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, आइए ये देखते हैं। मार्च 1921 US में फिजियोथेरेपी का सबसे पहला रिसर्च पेपर PT रिव्यू में पब्लिश हुआ। और इसी साल में मैरी मैकमिलन, जिनको मदर ऑफ फिजिकल थेरेपी भी कहते हैं, इन्होंने अमेरिकन वुमेन फिजिकल थेरेप्यूटिक एसोसिएशन की बुनियाद रखी। शी एस्टैब्लिश्ड द अमेरिकन वुमेन्स फिजिकल थेरेप्यूटिक एसोसिएशन।
जिसको बाद में चेंज करके अमेरिकन फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन बना दिया गया, जिसको आज हम एप्टा भी कहते हैं। इसके बाद फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट बहुत सारी कंट्रीज में प्रैक्टिस होने लगी। अगर आज हम हिस्ट्री देखें तो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में अर्थक्वेक विक्टिम्स को ट्रीट करके फिजियोथेरेपी ने अपना बहुत बड़ा नाम बनाया। आज भी कई हॉस्पिटल्स में अर्थक्वेक विक्टिम्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ हैं, वो ट्रीट हो रहे हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर फिजियोथेरेपी का रोल पोलियो में क्या है। पाकिस्तान उन दो ममालिक में से एक है जो अभी भी पोलियो जैसे वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। WHO के एक सर्वे के अकॉर्डिंगली तकरीबन 65-75% डेवलपिंग कंट्रीज में पोलियो के केसेस ज्यादातर 3 साल से कम उम्र बच्चों में पाए गए हैं। 1988 में पाकिस्तान में किए जाने वाले एक सर्वे से ये मालूम हुआ कि पोलियो विक्टिम्स में बहुत ज्यादा लोग मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ से अफेक्टेड हैं। इस सर्वे के बाद बहुत सारे फिजिकल थेरेपी क्लिनिक्स बनाए गए और बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट्स भी बनाए गए। और फिर उन तमाम पोलियो विक्टिम्स की जो कि हैंडीकैप थे और डिफरेंट मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के साथ थे, उनकी रेगुलर बेसिस पे फिजियोथेरेपी की गई, जिसने 1-2 साल में तकरीबन 80% लोगों ने बहुत ज़्यादा रिकवरी शो की। COVID-19 में भी अपने लोगों के लिए फिजियोथेरेपी ने एक बड़ा रोल प्ले किया। रेस्पिरेटरी थेरेपी, कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू बहुत सारे पेशेंट्स को रिहैबिलिटेट किया गया लंग्स को हेल्दी और सिक्रीशन फ्री बनाने के लिए, ताकि पेशेंट्स दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल रूटीन में जा सकें। पाकिस्तान में फिजियोथेरेपी को अब काफ़ी साल हो चुके हैं और आज ये एक फुल फ्लेज मेडिकल प्रोफेशनल बन चुका है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और ऐसे ही पूरी दुनिया में फिजियोथेरेपी एक प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ होती है और वेस्टर्न मेडिसिन में इसका बहुत बड़ा नाम है। फिजियोथेरेपी एक ऐसा ज़बरदस्त और नोबल प्रोफेशन है जो कि पेशेंट्स को रिहैबिलिटेट करता है, उनको वापस उनकी नॉर्मल लाइफ में लेकर आता है। और फिजियोथेरेपिस्ट वो लोग हैं जो कि अपनी स्किल्स से बिना सर्जरी के पेशेंट को ट्रीट करते हैं और उन्हें प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पार्किंसंस डिजीज, स्ट्रोक, सर्वाइकोजेनिक हेडेक, फ्रोजन शोल्डर, शियाटिका, स्टिनोसिस, ऐसी लातादात कंडीशंस हैं जिनको फिजियोथेरेपी से सक्सेसफुली ट्रीट किया जा रहा है। तो आज की ये वीडियो तमाम फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स के लिए थी जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपना और अपने प्रोफेशन का नाम बना रहे हैं। एक बार फिर मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से आप सबको अ वेरी हैप्पी फिजिकल थेरेपी डे। कीप गोइंग एंड कीप सर्विंग, वी आर प्राउड ऑफ यू। इस वीडियो को लाइक करें और उन तमाम लोगों के साथ शेयर करें जो कि इस नोबल प्रोफेशन से कनेक्टेड हैं और अपने लोगों को सर्व कर रहे हैं। स्टे कनेक्टेड टू द चैनल एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो।